तो आप ये सोचो कि 40 घंटे तो आपने कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी रेगुलरली जो है इंजाइम्स, हॉर्मोन्स और गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह रिलीज कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है या कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जिसको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जिसको IBS होता है, उसको हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, अब तो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी मिलके एक निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी टू टेक दीज प्रोटीन पाउडर्स, बिकॉज आगे चल के वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं या आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि विटामिन B12 की कमी काफ़ी लोगों में पाई जाती है, और अगर आप वीगन हैं तो आपको डॉक्टर जो है कुछ ना कुछ विटामिन का सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग के लिए देगा, बिकॉज यू कैनॉट सस्टेन ऑन अ वीगन डाइट विदाउट हैविंग सप्लीमेंट्स। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें अगर आप उसको किसी भी तरह से कष्ट देंगे तो वो शरीर वापस हमें कष्ट देगा ही किसी ना किसी तरीके से। इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कह के अगर हम उसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहें तो वो बेटर होगा। और अगर आपने देखा होगा तो पुराने ज़माने में हमारे जो दादी बाबा या उनके पिताजी माताजी लोग होते थे, तो वो यही टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ही करते, यानी कि सूर्योदय के बाद खाना और सूर्यास्त के पहले वो खाना खा लेते थे। यही तो होती है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा जो है खींच देते हैं कि नहीं भाई 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, यहाँ तक कि 40 घंटे तक की लोग वाटर फास्ट पे रहते हैं। तो आप ये सोचो कि 40 घंटे तो आपने कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी रेगुलरली जो है इंजाइम्स, हॉर्मोन्स और गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह रिलीज कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है या कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको नहीं सूट करती है। जिसको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जिसको IBS होता है, उसको हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करवाना चाहिए। तो ऑलवेज टेक अ सजेशन फ्रॉम योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन बिफोर यू आर गोइंग इन टू एनी काइंड ऑफ फास्टिंग, और इधर उधर के लोगों की बातों में ना पड़िए, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग होती है। किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती है, किसी को रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर पे खाना सूट करता है, तो सबकी बॉडी अलग होती है, उसी हिसाब से हमको डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, अब तो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी मिलके एक निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी टू टेक दीज प्रोटीन पाउडर्स, बिकॉज आगे चल के वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं या आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, और ये चीप वेजिटेरियन सोर्सेज से बनाया जाता है जिसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन पाउडर्स को ना चूज़ करके अगर हम यही प्रोटीन अपनी डेली डाइट से लें, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत चेंजेस आएंगे, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी को डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, दैट इज़ 0.83 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट, तो करीब वो 60 ग्राम से कम ही की होती है। तो अगर इतना प्रोटीन हम अगर अपने अच्छे खाने से अगर हम ले सकते हैं, तो हम क्यों कोई बाहरी सोर्स को ले जिसमें हमें पता भी नहीं है कि उन्होंने चीनी ऐड की है, कि स्टेरॉइड्स ऐड किए हैं, कि क्या ऐड किया है, और वो हमारी बॉडी ले रही है, बिकॉज हमारी बॉडी यूज़ टू नहीं होती है बाहर की चीज़ों को लेने की। कितना हमारी बॉडी वो चीज़ अब्सॉर्ब करती है, नहीं कर पाती है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप प्रॉपर खाना लेते हो, खाना खाते हो, खाने से अपने प्रोटीन का सोर्स को बढ़ाते हो, तो उसका इफ़ेक्ट 100% आपकी बॉडी पे होता है, एंड स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। तो अगर धीरे धीरे भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस अच्छे हैं, और कोशिश करिए कि आप अपने नॉर्मल खाने जो हमारे पूर्वज खाते आए हैं उसी खाने को खाकर आप अपना प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाइए और अपनी बॉडी पे चेंजेस देखिए। सी, एक्चुअली
देखिए वीगनिज्म मतलब हो गया कि हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी डाइट में, बी इट फॉर रिलीजियस पर्पसेस और एनी अदर काइंड ऑफ दिस थिंग. तो अगर रिलीजन से लेकर है, जैसे कि पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में क्या, अभी भी जैन्स वगैरह जो है कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं खाते जिसमें एनिमल प्रोडक्ट यूज़ हुआ हो, जैसे कि आपका दूध हो गया, हनी हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें एनिमल्स को किसी ना किसी तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया हो, या जैसे चीज़ हो गई जिसमें बैक्टीरिया का कल्चर होता है या रेनिन यूज़ किया जाता है. तो वीगनिज्म ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आई जनरली डोंट सजेस्ट, बिकॉज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ हमको जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमको नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, या हम कह सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं. हाँ, यानी कि वेजिटेरियंस को वो चीज़ें दूध, दही, छाछ, पनीर से मिलते हैं. तो ये जो विटामिन B12 वो आपका होता है, और कई बार जो है विटामिन K और कुछ और विटामिन्स होते हैं, बायोटिन जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट से मिलती हैं. और आपने देखा होगा कि विटामिन B12 की कमी काफ़ी लोगों में पाई जाती है, और अगर आप वीगन हैं तो आपको डॉक्टर जो है कुछ ना कुछ विटामिन का सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग के लिए देगा, बिकॉज यू कैनॉट सस्टेन ऑन अ वीगन डाइट विदाउट हैविंग सप्लीमेंट्स. तो इसीलिए बेटर ये है कि अगर आप खा सकते हो एक नॉर्मल डाइट जिसमें आप दूध या दही को इंक्लूड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप शहद को इंक्लूड करो, लेकिन हाँ दूध के लिए आई सजेस्ट कि दूध पीना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है वो होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है. तो दूध यूज़ करना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली लेते ही रहना चाहिए. तो वेगनिज्म ठीक है अगर आप उसको एज अ रिचुअल, एज अ बिलीफ मांगते हो, लेकिन अगर आप उसको इसलिए कर रहे हो क्योंकि सेलिब्रिटीज़ कर रहे हो, तो अगेन आपकी बॉडी डिफरेंट है. मे बी दे आर ऑन सप्लीमेंट्स एंड दे डोंट डिस्क्लोज ऑन सम मेडिसिंस दैट दे डोंट डिस्क्लोज, एंड हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही करिए. सो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, और जैसे कि आपने बोला कि सूरज भगवान से ही हमको प्राप्त होते हैं, सही बिल्कुल. और जो सूरज में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसी से विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन हमारी स्किन से होता है, जो कि हमारी किडनी में और फिर लिवर में जाके फिर वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, उसका एक्टिव कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है. तो आजकल के ज़माने में पहली चीज़ तो पल्यूशन की वजह से वो यूवी रेज हम तक पहुंच नहीं पाती है, और जो पहुंचती भी है तो बहुत तीव्र मात्रा में होती है. हम भी ढक कर निकलते हैं अपने आप को पूरी तरह से कि हम टैन ना हो, सनस्क्रीन लगाते हैं जो कि इस यूवी रेज को से हमको बचाती है, एक तरह से ठीक भी करती है क्योंकि वो हमारे स्किन कैंसर से हमको बचाती है, लेकिन हमारे विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन भी वो कम कर देती है. तो विटामिन डी बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, दूध दही वगैरह में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, छोटी जो बोनी फिशेस होती हैं उसमें पाया जाता है, सी फिशेस में बहुत अच्छा विटामिन डी पाया जाता है, और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. अक्सर हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हो जाते हैं, और एक एज के बाद तो स्पेशली डेफिशिएंसी आने लगती है. और आजकल अगर आप देखो ट्रेंड, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम तौर पर हर दूसरे तीसरे इंसान में पाई जा रही है. तो ये विटामिन डी के लिए आपको उसका एक सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी होता है, अपने डॉक्टर से आपको बात करना चाहिए, और जैसे वो सजेस्ट करें कि हफ्ते में या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोज, हफ्ते में लेना है या महीने में लेना है या 15 दिन पे लेना है, तो वो सप्लीमेंटेशन लेते रहना चाहिए. साथ ही में अगर हम सुबह में 7:30 या सुबह 6 से 8 के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें 15 मिनट अगर हम धूप की तरफ अपना हाथ या पीठ करके अगर हम बैठ जाते हैं एक्सपोज करके, तो हमको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाता है. तो यही है कि थोड़ा बहुत तो हमको मिल जाता है सूरज देवता से, लेकिन बाकी का अगर आप तब भी अगर आप डेफिशिएंट हो तो उसके लिए हमें अपना ब्लड वर्क करवाते रहना पड़ेगा, और अगर आपका डेफिशिएंसी पाई जाती है तब तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है. बिल्कुल, ये जो फ्रूट जूसेस होते हैं, अब तो FSSAI ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो रियल फ्रूट जूस हटा के एक्चुअल जो उसकी जो पिक्चर है उसको सामने लाएं, बिकॉज़ ये रियल फ्रूट जूसेस में
सिर्फ फलों का रस नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर घर पे निकाला होगा तो आपको पता होगा कि वो उतना मीठा या उतना टेस्टी नहीं होता है जितने कि वो डब्बा बंद फ्रूट जूसेस में हमको मिलता है। तो एडिटिव्स होते हैं, साथ में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम घर पे फ्रूट जूस पिए, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि हम उस फ्रूट को समूचा खाएं जिससे हमको फाइबर्स मिल सके, और वो फाइबर्स हमको ये जितनी भी आम बीमारियां हैं ना जो कि लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं उन सबसे हमको आराम पहुंचाएंगी। मतलब वो फाइबर्स हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर के स्पाइक को नहीं होने देता है, और हमारा धीरे धीरे करके हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना उसको भी ठीक कर देता है। तो ये इसीलिए फ्रूट जूसेस से बेटर है होममेड जूस, और सबसे बेटर है आपका होल फ्रूट। बिल्कुल, ये जो स्नैक बार्स होते हैं आजकल देखा गया है कि लोग पोस्ट जिम लेते हैं या लोग कहते हैं कि भाई मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसकी जगह पे मैंने एक स्नैक बार खा लिया। तो मुझे लगता है कि स्नैक बार में ठीक है, वो जितना भी वो न्यूट्रिशंस बताए कि उसमें ओट्स है, उसमें सीड्स है, लेकिन साथ ही में उसमें वो मैलिटॉल या इस तरह की कुछ कुछ सिरप्स डालते हैं, शुगर के सोर्सेज डालते हैं, और साथ में प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिसकी वजह से वो उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहती है ना। उसकी जगह पे अगर हम बढ़िया सा घर पे लड्डू बनाएं, वो सारे जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसको रोस्ट कर लीजिए, साथ में आप सीड्स रोस्ट कर लीजिए, ओट्स रोस्ट कर लीजिए, और उसमें डेट्स को काट काट के डाल के और हल्का सा घी डाल के और उसको मिक्स करके अगर आप वो लड्डू बना के और वो खाते हैं तो मेरे ख्याल से स्नैक बार से ज़्यादा न्यूट्रिटिव होगा वो, और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और साथ ही में जो आप एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स यानी कि एक्स्ट्रा नमक ले रहे हो, एक्स्ट्रा सोडियम ले रहे हो अपनी बॉडी में, उसको वो हटा देगा।